हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन को अपने विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके विंडोज़ पर पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं। वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है और जाके CMD टाइप करना है। यह आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसको आपको ओपन कर लेना है। एक बार क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, पाइथन पाइथन दबा के आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अगर इसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा आपके विंडोज़ पर तो यहाँ पर दिखा देगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आपके विंडोज़ में इंस्टॉल्ड है, और नहीं होगा तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, पाइथन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो आपको इसको एग्जिट कर लेना है, एग्जिट एंटर। उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको टाइप करना है पाइथन, पाइथन टाइप करके आपको एंटर दबा देना है। पाइथन दबाने के बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, www.python.org। आपको ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड्स पे आना है। डाउनलोड्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। और यहाँ पे ये नोट दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि अगर आपका पाइथन 3.9+ अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं और आपका विंडोज़ 7 या उससे पहले वाला कोई विंडोज़ का वर्जन है तो उस पर वो नहीं चलने वाला। अगर ऐसी हालत में अगर आपके पास विंडोज़ 7 या उससे पुराना कोई विंडोज़ वर्जन है तो आपको यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओल्ड पाइथन वर्जन्स भी आपको शो करने लगेगा। ये देखिए ये सारे 3.10, 3.11 है। 3.9+ के बारे में कहा गया था कि विंडोज़ 7 और उसके पहले वाले विंडोज़ वर्जन में नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो आपको 3.8 वर्जन को ढूंढना चाहिए। ये देखिए 3.8 यहाँ पे है। अगर आपका विंडोज़ 7 या उससे पहले वाला विंडोज़ वर्जन है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको स्पेसिफिकली 64 बिट या 32 बिट कोई विंडोज़ का इंस्टॉलर चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। और अगर 64 बिट है तो ऑलरेडी आपको बाहर ही शो कर रहा है, ये आपका 64 बिट के लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड कुछ सेकंड्स के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पे डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे देखिए आपका पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये 64 बिट के लिए। तो 32 बिट चाहिए तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा 32 बिट। तो ये देखिए यहाँ पे ये अनचेक्ड है, एड पाइथन 3.10 टू पाथ, आपको इसको चेक कर देना है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन शो नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एड पाइथन 3.10 टू पाथ इसको चेक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सभी बॉक्सेस आपके चेक होने चाहिए। ये PIP ये वाला आपका बहुत ज़रूरी मैनेजर है पाइथन के लिए, यही आपको पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल करके देता है, तो ये आपका ज़रूर चेक होना चाहिए। और बाकी सभी आपके यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स में चेक होनी चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करेगा, ये IDLE, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो आपके सभी चेक हैं, आपको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट दबा देना है। नेक्स्ट दबाने के बाद आपका यहाँ पे 3 पे चेक रहेगा, आपको ये पहला वाला भी चेक कर देना है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेक करने के बाद आपका ये प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ अपने आप ही चेक हो जाएगा। बस ये बाकी 2 को आपको छोड़ देना है, लास्ट वाले 2 को, इनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आएगा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन, तो आपको लोकेशन को चेंज नहीं करना है। ये देखिए सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर है, उसके अंदर एक पाइथन 3.10 फोल्डर बनेगा। 3.10 मतलब पाइथन वर्जन 3.10,
ये आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा, तो आपको येस कर देना है। येस करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये देखिए आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। और थोड़ी देर में ये आपका इंस्टॉलेशन फिनिश भी हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होने ही वाला है, तो आप जब भी फ्यूचर में कोई पाइथन प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं पाइथन इंस्टॉलर में, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बारे में सिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक नॉलेज रहे कि आपको पाइथन प्रोग्राम कहाँ कैसे रन करना है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, कैसे रन करने हैं, उनका आउटपुट कैसे देखना है। और पाइथन यूज़ करने में बहुत ही इजी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये देखिए यहाँ पे सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, सेटअप हुआ सक्सेसफुल। आप उसको क्लोज़ कर दीजिए। फिर आपको वापस सर्च पे आके cmd टाइप करना है, ये चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना। तो आप जैसे ही यहाँ पे पाइथन दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन का कौन सा वर्जन है, पाइथन 3.10.6, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। पिछली बार जब हमने पाइथन दबाया था तो अनरिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड आ रहा था, इसका मतलब उसमें पाइथन नहीं था। और ये ऑपरेटर इंडिकेट करता है कि आप पाइथन प्रोग्राम रन करने के लिए रेडी हैं। तो देखिए सबसे बेसिक एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं पाइथन में। कुछ भी प्रिंट करवाना है आपको, कुछ भी, हाय हेलो, मतलब आप जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए पाइथन में एक बेसिक फंक्शन है print। प्रिंट दबाने के बाद ये ब्रैकेट आपको ओपन कर लेना है विथ डबल कोट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो हेलो पाइथन, फिर आपको डबल कोट्स को क्लोज कर देना है और ब्रैकेट को भी। तो आप एंटर दबाते ही ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, हेलो पाइथन। ठीक है, तो हम इससे एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए ये एग्जिट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करने के लिए आपको एग्जिट फिर से दबाना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन नहीं, इस बार सिर्फ एग्जिट दबा देना और एंटर प्रेस कर देना। और देखिए हमारा IDLE भी इंस्टॉल किया गया था, तो हमें यहाँ पे आके सर्च करना है IDLE। तो ये देखिए IDLE अलग से पाइथन के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे हम अलग से पाइथन के लिए प्रोग्राम रन करके चेक कर सकते हैं। आप cmd कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक बेसिक फंक्शन सीखा था कैसे कुछ भी आपको प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तो उसके लिए आपको प्रिंट यूज़ करना है। प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स, हम लिखेंगे हेलो पाइथन। ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा एक पहला प्रोग्राम। ठीक, तो ये डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एंटर दबाते ही यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट आ गया, हेलो पाइथन।
या आप कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे वैसे के वैसे आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हाई लिखते तो हाई आ जाता, सिर्फ पाइथन लिखते तो पाइथन आ जाता। तो ये ऐसे काम करता है। तो अभी फिर से इससे एग्जिट करने के लिए आपको एग्जिट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एग्जिट फंक्शन यूज़ करते ही तो देखिए पूछ रहे कि लेट ओके ओके करते ही आपका क्लोज। आई होप आपको पाइथन इंस्टॉलेशन आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में हम लोग पाइथन रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आएंगे और आपको सिखाएंगे कि पाइथन पे कैसे काम किया जाता है। थैंक यू।